हेलो सिद्धूबाजी। अच्छा आज हम खेलों की बात कर रहे हैं। हमारे देश में जो क्रिकेट है बड़ा रिलीजियसली फॉलो किया जाता है, मतलब लोग फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। वाह। अच्छा कई लोग तो ऐसे करते हैं जैसे बड़ा मैच हो कोई, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का, तो पूरी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगवा लेते हैं, सारे रिश्तेदार यार दोस्त बैठ के साथ में मैच देखते हैं। और इनके रिएक्शन देखना, प्लेयर से ज्यादा जो खेल रहे होते हैं ना, इनके बड़े रिएक्शन होते हैं। जैसे सामने वाली टीम का कोई खिलाड़ी आउट हो जाए ना, तो दो दोस्त बैठ के ये कि जैसे इसने बॉल फेंकी है और उसने कैच पकड़ा है। टीवी देखते देखते घर पे बैठे चला रहे हैं, कम ऑन कम ऑन, जैसे इनकी आवाज डायरेक्ट कोहली के कान में पहुंच रही है। किसी ने ऐसे ठक करके शॉट मारा तो अंदर से बोल रहे थे पकड़ पकड़ पकड़। तुझे क्या लेना था, मैच एंजॉय कर अपना। अच्छा इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ अभी हाल ही में, लोगों ने बड़े अजीब अजीब कमेंट्स किए। मतलब सबसे पहले जब रोहित शर्मा आउट हुए, अरे यार हर मैच में पहले आउट हो जाता है ये, मैंने देखना ही नहीं है। अच्छा ऐसे मैच में ना एक पॉजिटिव आदमी बैठा रहता है, अरे अभी बहुत बैटिंग पड़ी है, अभी तो कोहली आएगा, युवराज आएगा, धोनी आएगा, देखना। अच्छा थोड़ी देर में कोहली है वो भी आउट, तो फिर ये घुटना छीन लेते अपना। इनको ऐसी फीलिंग आती कि इनकी सारी जायदाद जो है गवर्नमेंट ने एक ही झटके में जब्त कर ली। अच्छा अभी युवराज आएगा, अभी तो देखना। थोड़ी देर में युवराज आया, थोड़ा खेले वो भी आउट, वो आदमी पॉजिटिव बना रहता है, कोई बात नहीं अभी तो बड़ा है। अभी धोनी बाकी है, धोनी आए थोड़ी देर खेले, धोनी निकले, फिर इनका सारा शिफ्ट पॉजिटिव आदमी का पांड्या पे चला जाता है। आज पांड्या कुछ करेगा। नहीं गुजरात वालों का चल रहा है आजकल, प्रधानमंत्री भी वहीं से, ये करेगा कुछ। थोड़ी देर में पांड्या आउट ना, और ये जो सबसे पॉजिटिव आदमी होता है वे धीरे से अपनी चप्पल पहनता है, इनकी बैटिंग शुरू हुई तो बता देना मेरे को, तो अपना आराम से निकल जाता है। अच्छा कुछ लोग तो मैच खत्म होने के बाद अजीब जी कमेंट देना शुरू कर देते हैं, मेरे हिसाब से मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी क्या खुद बैटिंग कर रहे हैं? कुछ लोग तो और अजीब करते हैं, आज भाई साहब इंदिरा गांधी होती ना सारी टीम अंदर कर देती। हमारे दास दादा फोटोग्राफर, ये बोलते हैं अच्छी सेहत के लिए खेलना बड़ा जरूरी है। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं कहा आप खेला करो, कहता मैं खेलता हूँ मैं फिट नहीं रहता। मैंने कहा क्या खेलते हो, कहते जुआ। मैंने कहा जुए से कोई फिट कैसे रह सकता है, कहते क्यों नहीं, पहले तो ऐसे बैठना ही बड़ा मुश्किल होता है। मैं कहा ऐसे क्यों बैठते हो, कहते पीछे पुलिस आई तो भागना भी तो होता है कि नहीं। ये हमारा दिनेश है ना, दिनेश गिटार वाला। अच्छा इसका वजन बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा यार तू कोई गेम खेला कर, तू मोटा होता जा रहा है। इसने साम सिटी खेलना शुरू कर दिया। अब मैंने कहा कोई आउटडोर गेम, कहता हाँ हाँ मैं मैदान में जाके खेलता हूँ यार। अच्छा ये जो थोड़ी हाई सोसाइटी के लोग होते हैं ना, इनके खेल बड़े कमाल के होते हैं, गोल्फ, चेस, बिलियर्ड्स, बड़ा ऐसा लगता है कुछ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम खाने वाले हैं, एकदम साफ सुथरे कपड़े। हमारे जैसे लोगों के खेल नाम ही अजीब होते, पिट्ठू गरम, रुमाल झपट्टा, नाम सुन के लगता है इसमें कोई खर्चा नहीं, चार पत्थर इकट्ठे किए, एक रुमाल निकाला, खेलो, एक दूसरे को बॉल मारो, चोट लगाओ, घर जाके माँ की गालियां खाओ, कोई नहीं। गोल्फ में देख लो एकदम साफ सुथरे कपड़े, परफ्यूम लगा के एक दूसरे को सूंघ सूंघ के खेलते रहते हैं। गोल्फ खेलने जब आदमी जाता है पहले तो अपने घर से कार में बैठ के क्लब तक जाता है, फिर वहां से एक छोटी बैटरी वाली कार आती है जिसमें यूं बैठ के जाते हैं, फिर वहां तक पहुंचते हैं, फिर एक शॉट मारते हैं क्लच करके। पहले तो बड़ा ध्यान से पता नहीं क्या सोचते हैं ये, कभी कभी तो इतना भी होता है कि यहाँ पे ये है और यहीं पे वो है जहां पे बॉल डालनी है, तो देखते रहते हैं। क्या ढूंढ रहे हैं, और कभी कभी शॉट दूसरी होती बड़ी लंबी होती है, फिर उसको ज्यादा टाइम नहीं लेते, बॉल गई, उसके बाद में आराम से चाय कॉफी पीते हैं, एक आध बिजनेस डील होती है, फिर वही बैटरी वाली कार में बैठ के ना बॉल ढूंढने जाते हैं, फिर आई थिंक बॉल मस्ट बी देयर, फिर बॉल ढूंढ के लाते हैं, जब दूसरी शॉट मारने की बारी है तब तक हॉकी का वैसे पूरा मैच खत्म हो जाता है। क्या बात है यार, क्या बात, शतरंज में देखो आप
बड़ी शांत गेम है, जो खेल रहे हैं वो भी शांत। आप देखना कभी शतरंज वालों को, एक्चुअली ये गेम ना मुंह बिगाड़ने के लिए है। जो शतरंज की बारी दो लोग खेल रहे हैं ना, दोनों के मुंह देखना, एक 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 किस चाल चली उसके बाद। जो दूसरा है उसका मुंह भी वैसे ही। अच्छा जो तो खेल रहे हैं उनका तो ठीक है, जो देख रहे हैं उनका देख क्या, उनको क्या मजा आ रहा है। अजीब अजीब। अच्छा गांव के खेलों का मजा आता है, बच्चे बेचारे उनको अभी इतना बजट तो होता नहीं कि क्रिकेट की किट लेके खरीद सके खेले उसको, वो छोटे छोटे खेल अपनी तरफ से बना लेते हैं, गाने गाकर खेल बना लेते हैं। बुड्ढी माई कहाँ जा रही हो यार, बुड्ढी माई कहीं जा नहीं सकती। पोषण भाभी पोषण पा, साथियों ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। पता नहीं बेचारे खेल खेल रहे हैं कि फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। अच्छा बच्चे ना एक्चुअली बड़े क्रिएटिव होते हैं, किसी भी चीज को खेल बना लेते हैं, खड़े खड़े कुछ इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, क्या करें, एक दूसरे को ऐसे ही तो ऐसे आवाज निकाल सकता है। निकाल निकाल के बता। खड़े खड़े जीव जी ऐसे कर सकता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो किसी भी तरह का खेल बना लेते हैं। गांव खेड़ों में जाओ आप, बड़े फैले बरगद का पेड़ है, नीचे बुजुर्ग लेटे हुए ना, उनको कुछ नहीं मिलता। चाचा के ऊपर से कूदे, चाचा लेटा हुआ उसके ऊपर से कूदे। बीच में कहीं चाचा की नाभी में पैर पड़ गया तो फिर बताते नहीं किसी को, ये तो कल से सो रहे हैं। बड़े अजीब अजीब खेल होते हैं गांव में, तो बड़ा मजा आता है। कोई आदमी वैसे ही बैठा सो रहा है तो ऐसे तिनका लेके चले गए, उसके कान में गुदगुदी कर दी, किसी के संतरे का छिलका निचोड़ के भाग गए। एक आदमी मैंने देखा हरी घास की लंबी सी डंडी लेके ना नाक में डाल के ऐसे ऐसे कर रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, अरे टाइम पास खेल का खेल, और क्या, नाक भी साफ हो जाती। जैसे अभी मुंबई जैसे शहरों में साइकिलिंग के लिए कॉम्पिटिशन के लिए अलग अलग ग्राउंड्स बने हैं, आप जाएँ वहाँ पे करें, साइकिल लें, कॉम्पिटिशन करें। हमारे गांव में थोड़े ना होते थे, वहाँ पे एक लकड़ी का डंडा लेते थे और साइकिल का टायर ना पुराना उसी को लेके चलाते रहते। कई लोग तो नया नया टायर ही बदल देते हैं, कई लोग बड़ा पुराना करके बदलते हैं, फिर जिसके पास पुराना टायर होता था ना, नया वाला तो ऐसे से चलता था। जिसका टायर पुराना होता ना उसकी तारें भी अंदर से टूटी होती हैं, तो वो टायर ना बेचारा ऐसे ऐसे करके चलता है, उसको चलाते ना। अच्छा विदेशों में तो एक और खेल होता है, सांड की पीठ पे बैठ के ना उसके सींग पकड़ लेते हैं और फिर सांड ऐसे से घुमाता है और वो लगे रहते हैं ऐसे से। अच्छा ये तब तक ही जोर दिखाते हैं जब तक सांड के ऊपर बैठे, जैसे ही नीचे आए ना फिर चाहे स्पेन वाला हो चाहे इटली वाला, अंदर मन से ये नहीं कहता हाय मम्मी। फिर सांड इनको बा इज्जत जब सर पे नुकीले सिंहासन पे बिठा के छोड़ के आता है ना, उसके बाद द मैच वॉज वेरी, फिर इनको पता चलता है कि सांड सांड ही होता है, पंगा नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ होली होती है ना, इतना मज़ेदार खेल है, उसको भी कई कई बार इतने गंदे तरीके से खेलते हैं ना, खुद तो काले हुए होते हैं, सामने वाले को सिल्वर कलर का कर देते हैं, लगता नहीं आदमी आ रहा है, ऐसा लगता है पटाखों की दुकान में आग लग गई है। अजीब अजीब। विदेशों में भी होली खेलते हैं, वो टमाटर से खेलते हैं, एक दूसरे को टमाटर मारते हैं, सुबह कहीं कोई गंदगी नहीं, नालियों में टमाटर बह रहे होते हैं, जानवर आते हैं अपनी अपनी ब्रेड लेके सॉस लगा के ब्रेकफास्ट करके इंजॉय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.